बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा स्लाइड बनाया है जिसमें मैं पूरा क्लैरिटी दूंगा। सबसे पहले तो समझो, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज। देखो पूरा चार्ट के साथ, ग्राफ के साथ बताऊंगा। सबसे पहले इंश्योरेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन हाउ मेनी पार्टीज? टू पार्टीज। एक पार्टी ए को मैं एज्यूम करूंगा एज द इंश्योरर। ये कौन है इंश्योरर? तुम इसको LIC एज्यूम करो, और तुम खुद कौन होगा? इंश्योर्ड होगा। ठीक है, ये लेट अस एज्यूम इंश्योरर इज LIC। सो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन हाउ मेनी पार्टीज? टू पार्टीज। LIC इज द इंश्योरर, और आम इंसान बाबूराव को मैंने इंश्योर्ड बना दिया। ठीक है, तुम्हारा गाड़ी का इंश्योरेंस निकालते हो तो गाड़ी क्या होगा? सब्जेक्ट मैटर। गाड़ी क्या माना जाएगा? सब्जेक्ट मैटर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। जिसका इंश्योरेंस निकालते हो सब्जेक्ट मैटर, खुद का लाइफ होगा तो लाइफ विल बिकम द सब्जेक्ट मैटर। नाउ ये गाड़ी सपोजिटली 5 लाख की है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ डैमेज ना हो, एक्सीडेंट हुआ तो भरपाई हो, तो करीबन 4-5 हजार 10 हजार रुपया प्रीमियम भरेगा इंश्योर्ड। किसको? इंश्योरर को। द मोमेंट प्रीमियम भरा तो इंश्योरर प्रॉमिस करेगा कि गाड़ी को कोई डैमेज हुआ तो वो भरपाई करेगा। तुम प्रॉफिट नहीं कर सकते बाय इंश्योरेंस। इंडेमनीफाई मतलब भरपाई कौन करेगा? इंश्योरर। कब करेगा? जब इंश्योर ने प्रीमियम भरा हो। प्रीमियम का वैल्यू यदि 1 लाख है, गाड़ी का वैल्यू तो 2 से 3 हजार रहता है, 2 और 3% के बीच में इंश्योरेंस का प्रीमियम रहेगा। ठीक है, सो आई होप अंडरस्टैंड कि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज, इंश्योरर और इंश्योर्ड। सब्जेक्ट मैटर गाड़ी, लाइफ, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। जिसके तहत इंश्योर्ड प्रीमियम भरता है, प्रीमियम वैल्यू का एक परसेंटेज होता है, जहां पे इंश्योरर इंश्योर्ड प्रीमियम भरता है और इंश्योरर प्रॉमिस करता है कि कुछ लॉस हुआ गाड़ी को, नुकसान हुआ बाय एक्सीडेंट और समथिंग, तो इंश्योरर उसको भरपाई करके देगा। ठीक है, तुम प्रॉफिट नहीं कर सकते। सवाल ये कि इंश्योरर का धंधा चलता कैसे है? सपोजिटली 1 लाख की गाड़ी है, 2 हजार रुपए का प्रीमियम है, 100 लोगों ने कराया तो कितना मिलेगा? 2 लाख रुपया। एक्सीडेंट सबका तो नहीं होगा, जिनका हुआ तो 50 हजार लाख रुपए का उसने भरपाई दिया, 50 हजार चलाने का खर्चा और 50 हजार नफा। इस प्रकार से इंश्योरेंस कंपनी काम करती है। सो ये था तुम्हारा कंसेप्ट या मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस।